गया है, अभी लेके चलते हैं। फ्रेंड वेलकम टू सुधा फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज थर्सडे है, पूरा काम हो चुका है। ये मेरे व्रत के लिए मूंगफली भून रहे हैं। बाकी किचन चंद मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, दिखाया आपको पूरा। ये वहाँ साइड में रखते हैं खाने का, जो भी बच्चों के लिए रोटी सब्जी बनाए हैं तो वही है। बाकी इधर का पूरा साफ करके रख देते हैं, क्योंकि अब कोई काम रहता नहीं है तो किचन मेरा जब तक अपना शाम के खाने का बना नहीं लेते तब तक पूरा साफ रहता है। अभी आज पूजा रूम में पोछा हम लगाए, और उसके बाद गेस्ट रूम में और बेडरूम में और बाकी सब जगह, बाहर भी सब जगह ओम पोछा लगाए हैं। आज बच्चों की गर्मी की छुट्टी चल रही है तो कोई काम ही, और वैसे भी वो वाला पोछा रहता है ना तो उनको अच्छा लगता है मोप वाले से करने में, तो थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं कि अच्छे से करे ना करे, लेकिन थोड़ा सा सीखें, क्योंकि होता है ना कभी कभी तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा बहुत सीखे रहेंगे तभी करेंगे। तो एक दो चीज़ कर लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, और सैंडविच के लिए चाकू तो नहीं छूने देते हैं तो चाकू मतलब सैंडविच का काट के दे दो प्याज टमाटर, तो सैंडविच भी बना लेते हैं। दाल भी एक दो बार दाल भी ऐसे किए हैं कि मतलब दाल धो के डाले हैं, पानी डाले हैं, हल्दी नमक डाले हैं, और कुकर नहीं ढक्कन बंद कर पा रहे थे, तो मतलब ऐसे ही जब खड़े रहते हैं तो एक दो बार थोड़ा बहुत सिखाते रहते हैं। हम केवल पूजा रूम करके हम पूजा करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था इनके लिए, रोटी सब्जी बना के भेज दिए। आज सब्जी दिखाएं आपको, आलू पालक, और लेकिन पालक के साथ जो सो आता है वो उसकी सब्जी बनाए हैं। ये सब्जी छू रही है तो हाथ तो धोने। चाय बनाएंगे आज, साबूदाना नहीं बनाएंगे। पिछले थर्सडे को साबूदाना बनाए थे, तब तो वीडियो नहीं बनाए थे, तबीयत ख़राब थी तो साबूदाना बनाए थे। तो आज सोच रहे हैं कि दूध में सब ड्राई फ्रूट डाल के पका लें, बस वही का पी लें, क्योंकि बहुत मीठा भी नहीं खाने का मन करता, और साबूदाना बनाओ ना तो फिर बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है तो मीठा तो करना ही पड़ेगा, वही करेंगे। मूंगफली हो गया है, चाय चढ़ा लें। चाय बन गया और ये निकाले हैं, अभी इसको घीस लेंगे फिर दूध में डालेंगे। ये दूध निकाल के रखे हैं, इसी में पका के पूरा घीस लिए हैं। दूध भी कब से उबल रहा है, थोड़ा सा चीनी डालेंगे इसमें। ये दूध तो कम, हलवा जैसा ज़्यादा हो गया, बन गया है। बच्चों को भी खाना दे दिए और अपना भी लेके आ गए। अभी ये घड़ी तो बंद हो गया है, 2 बज रहा होगा तो खा ले बच्चे भी, थोड़ा देर आराम करेंगे, क्योंकि सोते तो नहीं हैं बच्चे भी, नहीं सोते हैं, और हम लोग भी मतलब मैं भी नहीं सोती अब, क्योंकि इतना देर में उठते हैं ना, क्योंकि सुबह तो उठना रहता नहीं है 6 बजे तो नींद पूरी हो जाती है। हाँ काम कुछ नहीं है तो लेटे ही रहेंगे, और थर्सडे को कपड़ा नहीं धुलना रहता ना तो थोड़ा सा काम और कम हो जाता है, बाकी तो काम सारा रहता ही है, और व्रत की वजह से थोड़ा बहुत अधिक भी हो जाता है। इवनिंग अभी शाम का समय हो रहा है, लेटे ही थे, लेटे पे देखिए बाल पूरा उजड़ गया, और नेल पेंट लगाए आज, बहुत दिन हो जाता है मायके जाने से पहले, यहीं पे 12 तारीख को लगाए थे, 12 अप्रैल को, और आज भी 12 मई है, 1 महीना हो गया, और वहाँ भी यहाँ लगा के गए थे तो मुंडन में भी यही नेल पेंट चल गया, छूटा नहीं था तो नहीं छुड़ाए। इसमें मुझे बहुत आलस आता है, क्योंकि छुड़ाओ फिर लगाओ, तो पैर में भी लगाए तो रेड कलर का, पैर में ज़्यादातर मेरा रहता है रेड कलर का, और ये पिंक टाइप का है, थोड़ा सा डार्क है। ये ख़त्म हो रहा है मेन, ये ख़त्म हो रहा है तो हम कहें कि लगा के इसको ख़त्म करें, सूख रहा है। कहाँ रखे नेल पेंट, वहीं पे रखे, और आज कुछ अलग बनाने के लिए सोचे हैं, तो उसकी अलग से अगर बनाएंगे तो अलग से रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि फिर ना वीडियो में सब मिल जाता है, नहीं समझ में आता, कुछ अलग बनाओ। यूपी और बिहार का मतलब सबसे फेवरेट है, और बिहार में तो खैर मुझे लगता है ज़्यादा बनता होगा, यूपी में भी हम लोगों के तरफ बहुत ज़्यादा बनता है, और कोई भी जैसे त्यौहार होता है ना तो वो ज़रूरी होता है, तो वो तो आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो वीडियो ऐड किए हैं
वो मेन मेरा आज थर्सडे के व्रत का ही मतलब वो जिसके लिए जिस चीज़ के लिए व्रत रहते हैं, तो आज मतलब आज नहीं कल ही जो भी बनाए हैं तो वो थर्सडे के व्रत का ही मतलब फल है, कहिए बृहस्पति भगवान के व्रत का फल है कि जो मुझे कल मिला तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो यही वजह है कि उसको आज इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि खुशी कल हुई तो फिर लगा कि कल बनाए कि आज बनाए, तो हमने कहा नहीं, जिस दिन खुशी मतलब हुई है उसी दिन बना लेते हैं। तो बना लिए थे कल, लेकिन ऐड आज कर दे रहे हैं। और खुशी नहीं बता सकते हैं, होती है कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं जो हम यहाँ नहीं शेयर कर सकते हैं, तो उतना तो आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। मेरी खुशियाँ पैसे से मतलब वो नहीं होती है, मेरी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं। जो चीज़ लगता है ना कि नामुमकिन है, वैसी टाइप की कुछ खुशी है। तो इसीलिए उसको इसके बाद ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो मीठा तो बनता था, इतनी बड़ी खुशी हुई थी। तो चलिए फिर देखिए आगे की वीडियो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बाहर से टहल के भी आ गए हैं, शाम का आज बना रहे हैं सेवई। अभी पहले नाश्ता बनाएंगे कुछ, क्योंकि हम लोगों को भूख अच्छी वाली लगी है, तो नाश्ता बनाएंगे। लेकिन निकाले हैं सेवई भून के बनाएंगे, क्योंकि आज कुछ अच्छा हुआ है जो शेयर तो नहीं कर सकते आपके साथ, लेकिन बहुत बड़ा बहुत मुश्किल काम हुआ है। और बात बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी पैसे से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉसिबल होती है, तो वही हुआ है आज। शेयर नहीं कर सकते उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ खुशी बहुत बहुत बड़ी है। तो हम कह मन तो नहीं है, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा तो कल भी कुछ ना कुछ मीठा बनेगा ही, लेकिन फिर हुआ ना कि आज खुशी हुआ है। तो मिस्टर भी कुछ बाहर से मीठा नहीं लेके आए, उन्हीं के आने से खुशी पता चला, तो वो भी बाहर से कुछ लेके नहीं आए, तो फिर हुआ कि घर पे ही बना लेते हैं। हम कह थोड़ा सा ही सेवई बना लेते हैं, अभी नाश्ते के लिए तैयारी पहले कर ले। देसी घी डाले हैं, देसी घी में पहले सेवई को भून लें, फिर इस पर दूध चढ़ा देंगे। अभी नाश्ते का जो भी बनाना रहेगा उधर बने। फिर बना रहे पोहा, तो पहले मूंगफली भून के निकाल लेंगे। प्याज काट के रख लिए हैं, टमाटर, हरा मिर्चा इसको भी धो लिए हैं, चूड़ा को सेवई के लिए भून के रख लिए हैं। प्याज चढ़ाए हैं, गरी दिए हैं मिस्टर को घिसने के लिए, क्योंकि घर किचन में काम कर रहा है ना, गरी भी और ड्राई फ्रूट जो भी है सब घिस देंगे। रेडी है, इधर
सेवई भी बन गया है। ये यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेके चलते हैं, तब तक चाय भी चढ़ा दिए हैं, जब तक खाएंगे तब तक चाय हो जाएगा। बच्चे लेके गए, सभी ठंडा हो गया है, अभी लेके चलते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।